नमस्कार, स्वागत है आपका एसटूडे के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं मीनाक्षी। हमीरपुर में अधिकतर देखा गया है कि बच्चों को एमबीबीएस करने के लिए बाहर के राज्यों की ओर जाना पड़ता है, वहीं उन्हें इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अब हमीरपुर के छात्रों के लिए ये फैसिलिटी जो है वो ईरा एजुकेशन सोसाइटी ने हमीरपुर में दी है। इस वक्त हमारे साथ ईरा एजुकेशन सोसाइटी के ऑनर डॉक्टर पारस मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो बच्चों के लिए एमबीबीएस की फैसिलिटी दे रहे हैं। डॉक्टर पारस, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर पहले मुझे ये बताइए कि ईरा जो है वो है क्या है। मैम, एक्चुअली मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँ, जो ईरा है हम मेनली बच्चों की हेल्प कराते हैं एडमिशन कराने में रशिया में। जो बच्चे यहाँ पे एमबीबीएस नहीं कर मैं प्रॉपर मार्क्स नहीं ले पाते हैं अपने नीट एग्ज़ाम में, तो जो बच्चे कम मार्क्स लेते हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो उनकी हम हेल्प करते हैं जो बाहर बच्चे अपनी तरह ताकि अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करके वापस यहाँ पर आके डॉक्टर बन जाए। साथ ही अगर किस तरह से आप जो हैं वो बच्चों से कांटेक्ट करते हैं और बच्चों को किस तरह से जो है वो वहाँ विदेशों में जो है सेटल किया जाता है, खासकर एमबीबीएस में। मैम, एक्चुअली सेटलमेंट की आपको बात बताऊं तो हम बच्चे, जैसे कोई बच्चा इंटरेस्टेड होता है, हमारा ऑफिस है यहाँ पे गांधी चौक में मेन जो है, तो उसके बाद बच्चा हमारे पास आता है। इसका बहुत इजी प्रोसेस होता है एडमिशन का। हम बच्चे का हमें बेसिकली जो बच्चे के एडमिशन के लिए हमें 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, प्लस टू की मार्कशीट चाहिए होती है, और हम बच्चे का पासपोर्ट चाहिए होता है। तो इन तीन डॉक्यूमेंट से हम बच्चे की एडमिशन जो है हम यूनिवर्सिटी में कन्फर्म कर देते हैं। हिमाचल में अगर बात करूं तो हिमाचल में आपकी कितनी ब्रांच है अभी तक? मैम, फिलहाल तो स्पेशली हमारी हमीरपुर में ही ब्रांच है और हम बड़े बेटर तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमें काफ़ी हम लास्ट ईयर भी यहाँ पे नियर अबाउट 26 स्टूडेंट भेज चुके हैं यहाँ से। और हमारा जो एक पार्टनर है वो वहाँ पे फरीदाबाद दिल्ली के नज़दीक में है, वहाँ से हम उनके साथ टाई अप हैं। हिमाचल के कितने बच्चे हैं अभी तक जो यहाँ से भेज चुके हैं? आप हमीरपुर से ही भेजते हैं बच्चे या फिर पूरे हिमाचल के बच्चों को बाहर भेजा जाता है? मैम, हमारा मेन फोकस पूरा हिमाचल ही है, हम पहले प्रायोरिटी पूरे हिमाचल को ही देते हैं। और उसके बाद आपको बात बताऊं तो मेनली बच्चे यहाँ से जाते हैं, मंडी से जाते हैं, पालमपुर से जाते हैं, हमीरपुर से जाते हैं और धर्मशाला से जाते हैं। तो हमारे पूरी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे नियर अबाउट 230 बच्चे होंगे, उसमें से हमारे कम से कम 70 से 75 वहाँ पे हिमाचल से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हिमाचल से काफ़ी ज़्यादा बच्चे आज के टाइम में बाहर स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। अगर बात करूं हिमाचल की, तो पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर लोगों को दिक्कतें होती हैं कन्वेंस करने में, बाहर जाने में। लोग जो हैं वो यहाँ के बहुत सीधे साधे हैं, तो अपने बच्चों को बाहर भेजना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। तो क्या आपको इस फील्ड में काम करते हुए कभी दिक्कत आई? मैम, दिक्कत ये होती है इस फील्ड में कि जो हमारा कंसल्टेंसी चार्ज होते हैं, जो अदर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई मांगते हैं उस चीज़ को। लेकिन हम बिल्कुल एक जेन्युइन प्राइस पे बच्चे को, जो वहाँ पे इतना उनके बच्चे का खर्चा आता है, हम बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पे बच्चे कोशिश करते हैं कि हमें बेस्ट एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी बच्चे को लोएस्ट प्राइस में प्रोवाइड करा सकें। एमबीबीएस के साथ और कौन से कोर्स हैं जो आप करवाते हैं? मैम, हमारे पास इंजीनियरिंग भी है, पर एज़ कंपेरिजन टू देखो तो इंडिया में जो तो इंजीनियरिंग बेटर है, क्योंकि उसमें फीस भी कम है और जब बच्चा बाहर से जाता है तो उसका खर्चा ज़्यादा आता है और इंडिया में इतने स्कोप ही नहीं है जॉब के। तो इस टाइम जो तो जो डॉक्टर की फील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इंडिया में, तो बेटर चॉइस फिलहाल एमबीबीएस ही अब्रॉड से, तो हम मेनली प्रेफर एमबीबीएस के लिए करते हैं। आप कहाँ भेजते हैं बच्चों को इसके लिए? मैम, हम प्रेफरली हमारी जो पहली यूनिवर्सिटी है वो रशिया में है, मॉस्को से नियर अबाउट 325 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल सेंटर में मॉस्को के रशिया के पड़ती है। उसमें पहले से ही मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ पे 238 बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं इंडियन, और बिल्कुल सेंटर में बच्चा यहाँ से जैसे मॉस्को से फ़्लाइट लेगा तो कट करना पड़ेगा आपको। जैसे बच्चा दिल्ली से फ़्लाइट लेगा मॉस्को की, तो मॉस्को से बच्चा बाय ट्रेन या बाय कार या बाय बस भी वहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। जैसे कि हर किसी को पता होगा शायद अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कि रशिया जो है तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो मॉस्को से बहुत दूर दूर हैं। जैसे यहाँ से बच्चा दिल्ली से लेता है 5 घंटे की फ़्लाइट लेता है, तो वहाँ से मॉस्को से भी 5 घंटे की फ़्लाइट यूनिवर्सिटी तक पहुँचने में लगती है। तो हम मेनली यही प्रेफर करते हैं कि बच्चा पूरे अपने कोर्स में सबसे कम प्राइस में उसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो भी कम रहे, तो इसलिए हमारी जो यूनिवर्सिटी बिल्कुल नियर है मॉस्को के, और बच्चा मॉस्को से जैसे दिल्ली से मॉस्को तक आएगा बाई फ्लाइट, उसके बाद वो बाई कार या बाई ट्रेन या बाई बस भी ट्रैवल कर सकता है। नियर अबाउट 4 आवर्स का रास्ता है बाई रोड।
स्टडी के बाद जो है वो क्या नौकरी भी ऑफर की जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा? मैम एक्चुअली बात यह है कि जब बच्चा फोर्थ ईयर में हो जाता है तो उसकी पेशेंट के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाती है, वहाँ पे डॉक्टर के साथ वो प्रैक्टिस में जाता है। तो उसमें रशिया में यह है कि बच्चे को अगर वहाँ पे फोर्थ ईयर से बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, उसे प्रॉपर तरीके से रशियन लैंग्वेज आती है, क्योंकि रशियन लैंग्वेज की हमें जरूरत तब पड़ती है कि मान लो कि बच्चा जैसे कंप्लीट स्टडी अपने थर्ड ईयर कंप्लीट कर देता है तो फोर्थ ईयर में जो भी पेशेंट आएंगे वो रशियन में ही बात करेंगे। अगर बच्चे को रशियन इतनी आती है तो वहाँ पे स्कॉलरशिप के मतलब बच्चा अपनी जॉब भी साइड वाइज वहाँ पे कर सकता है, हॉस्पिटल में, ट्रेनिंग में, वो साथ को वहाँ पे स्कॉलरशिप के नाम पे मतलब पैसे भी पे किए जाते हैं पर मंथ। लैंग्वेज की आपने बात की तो यहाँ की और वहाँ की लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क है, तो यहाँ के बच्चों को कभी वहाँ दिक्कत आती है तो आपसे कांटेक्ट करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं? बताया जाए तो शुरू में बच्चा यहाँ से जाता है उसे दो ही लैंग्वेज आते हैं, मेनली हिंदी या इंग्लिश, और वहाँ पे रशिया में जो तो आज के टाइम में हर एक आदमी नहीं बोलता है रशियन जो इंग्लिश लैंग्वेज है। जैसे आप इंडिया की बात कीजिए, जैसे कोई बाहर से कोई आधार बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है तो आप भी उसे हिंदी में बात करो, इंग्लिश में कोई बात नहीं करना चाहेगा। तो उसके साथ हम बच्चों को ये करते हैं कि साथ साथ में हम रशियन क्लास भी बच्चे की शुरू करा देते हैं, ताकि इन फ्यूचर मान लो जब बच्चा फोर्थ ईयर में पेशेंट कर इंटरेक्ट करेगा, बात करेगा, तो उसे रशियन लैंग्वेज में दिक्कत ना आए। एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है और किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो वहाँ के लिए भेजने पड़ते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। हम बस बच्चे के हमें तीन डॉक्यूमेंट मेनली चाहिए होते हैं, एक 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, उसके बाद हमें +2 की मार्कशीट चाहिए होती है, उसके बाद हमें पासपोर्ट चाहिए होता है। और जब बच्चे का इन्विटेशन यूनिवर्सिटी से उस बेस के ऊपर आ जाता है, उसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट है हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तीनों जो होते हैं। उसके बाद हम जो डॉक्यूमेंट 10th +2 के हैं उसका हम अपोशल कराते हैं एक्सटर्नल अफेयर से, उसके बाद बच्चे का वीज़ा के लिए चला जाता है। और जैसे ही बच्चे का वीज़ा आता है हम टिकट बुक करके बच्चे को डेट बता के उसको हम रशिया ले जाते हैं स्टडी के लिए। इस पूरे प्रोसेस में कितना समय जो है वो लग जाता है? मैम अब इसका देखा जाए तो अगर जैसे बच्चा मान लो हमें फर्स्ट डे हमें डॉक्यूमेंट देता है सारे, और विद इन 2 डेज हम बच्चे का इन्विटेशन लेटर निकाल देंगे, विद इन 2 डेज हम बच्चे का वीज़ा के लिए प्रेफर कर देंगे, मतलब नियर अबाउट 1 वीक में हम बच्चे की एडमिशन वहाँ पे कन्फर्म कर बच्चे को वहाँ पे ले जा सकते हैं आफ्टर 1 वीक। अगर बात करें आपकी, तो आपने कैसे सोचा कि यही फील्ड जो है आपने चुनी है, तो किस तरह से दिमाग में आया कि नहीं इसी फील्ड में काम करना है? मैम एक्चुअली बात यह है कि जैसे अकॉर्डिंग टू MCI हमारे पूरे देश की पॉपुलेशन है 130 करोड़, और उसमें MCI में जितने भी जो उसकी हिस्ट्री है उसमें ये दिखाया गया कि 8 लाख ही डॉक्टर हैं जिनके पास लाइसेंस है इंडिया में। तो उसमें ऐसा है कि भाई उसमें हमारे इंडिया में बहुत कमी है डॉक्टर्स की, तो इसमें बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो हमने ये कोशिश की कि जहाँ पे जिस फील्ड में बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होगा हम उसमें ही बच्चे क्यों ना उसमें बच्चे को प्रेफर करना कि ये स्टडी अच्छी है, तुम्हारा फ्यूचर इसमें बहुत अच्छा है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो कितना खर्चा जो है टोटल आ जाता है, जैसे फीस वगैरह मिला के बच्चे का? मैम ऐसे में जैसे पेरेंट्स होते हैं हर एक यहाँ पे हिमाचल में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ऐसे आपके पास और कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ बहुत सारे हैं जो बोलते हैं सर 8 लाख में आपकी MBBS कंप्लीट हो रही है, 10 लाख में हो रही है। तो हम जब भी पेरेंट्स आता हमें क्लियर कट ऑफ बोलते हैं कि हाँ जी इतनी आपकी बच्चे की फ़ीस बन रही है, इतना आपका खर्चा होगा। तो मैं आपको प्रॉपरली बात की जाए तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस बनेगी आपकी 13 से 14 लाख की बच्चे की फ़ीस बनती है। उसमें आपका वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं, हमारा अपने अपार्टमेंट फैसिलिटी भी है। अगर आप बात करें टोटल बच्चे का मेडिकल फ़ीस की, मेडिकल इंश्योरेंस की, अपना हॉस्टल फ़ीस की, तो 18 से 20 लाख का पैकेज है। इससे कम में ही हम प्रेफर करेंगे इससे ज़्यादा में, ताकि ये ना हो कि इन फ्यूचर जाके पेरेंट्स को दिक्कत आए कि सर आपने तो इतनी बात की थी आप या खर्चा इतना इतना बैठ गया। तो हमारा मेन फोकस ये है कि जो हम बोलें बिल्कुल पेरेंट्स को बिल्कुल जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमें उन तक पहुँचाएँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए? मैम एक्चुअली मैं हमीरपुर में बेसिकली प्रेफर कर रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारा हिमाचल प्रदेश है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कुछ सोर्स नहीं है इनकम के, और काफ़ी कुछ गांव बैकवर्ड ही बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा इस टाइम सेमिनार चलेगा 18 जुलाई को जो हमारा चोपड़ा रेजिडेंसी आणु में, वहाँ पे 10 बजे से शाम को 3 बजे तक हमारा सेमिनार है। मैं प्रेफर करूँगा जितने भी स्टूडेंट्स या जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं स्टडी के लिए वो ऊपर हमारे अनु रेजिडेंसी में आए हमारे होटल में। हमारे 2 से 3 रशियन डेलीगेट्स भी आएंगे यूनिवर्सिटी से, और हमारी प्रॉपर टीम आएगी या वो आप प्रॉपर गाइड करेंगे कि एक्चुअली बाहर की कंट्री में एजुकेशन कैसी है, बाहर के लोग कैसे हैं, आपको बाहर रहना कैसे है।
तो वहाँ से मैं चाहता हूँ कि बच्चों को एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगी कि हमें प्रॉपरली जाना कहाँ है और कौन सी जगह हमारे लिए सेफ़ है। तो 18 जुलाई को हमारा सेमिनार है, सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक चलेगा। मैं सबको इनवाइट करता हूँ कि सब आके अपना वहाँ पे योगदान दें और देखें कि क्या एक्चुअली बाहर होता क्या, क्या स्टडी कैसे होती है। शुक्रिया पारस जी, आपने हमसे बात की। तो आपने देखा कि डॉक्टर पारस ने बताया है कि विदेशों में जो है हमीरपुर के छात्र आसानी से एडमिशन ले सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है वो अच्छा बना सकते हैं। कैमरामैन के साथ मीनाक्षी, एसटीवी न्यूज़ हमीरपुर।